क्या आप जानते हैं बच्चों कि शहद की मक्खी को अल्लाह ताला ने फलों और फूलों के की पहचान करने के लिए 170 हासिल यानी एंटीनास दे रखे हैं, जिनकी मदद से ये जानती है कि कौन से फल का रस मुफीद है और कौन से फल का रस नुकसानदेह है। तो आपको भी अल्लाह ताला ने बिल्कुल जी शऊर बनाया है और अक्ल फहम दिया है, बल्कि आपको अशरफुल मखलूकात करार दिया है और आपको इस बात की दावत दी है कि आप अल्लाह की तख्लीक की गई हर चीज़ को जांचें, उनकी अफादियत जानें, अपने जिस्म पर गौर करें, हशरातुल अर्ज पर गौर करें, पौधों पर, इंस हर चीज़ पर आप लोग गौर करें कि भाई इसमें अल्लाह ताला की क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे छिपकली है, हम उसे बहुत गंदा तसव्वुर करते हैं, मगर वो चूँकि कीड़े मकोड़े और वो खाती है तो एक कायनात में एक बैलेंस बराबर होता है। इस तरह बहुत से जैसे फ्रॉग हो गया और इस तरह बहुत से वो हो गए जो हशरातुल अर्ज खाते हैं, अगर ये ना खाएं तो फिर इनकी तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि हमारी जो फसलें हैं वो तबाह हो जाएंगी और हमें बहुत नुकसान होगा। इन सब को बरकरार, इसमें तनासब बरकरार रखने के लिए अल्लाह ताला ने ऐसे छोटे मोटी चीज़ों को जैसे छिपकली हो गई, जैसे बहुत सी चीज़ें हो गई, फ्रॉग वगैरह, तो इसको अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है ताकि इसमें तनासब बरकरार हो और ये हमें सब फ़ायदा ही देते हैं। जैसे फूल जो हैं उससे खुशबू भी वो करते हैं, उससे हमें एक फरहत और ताजगी का एहसास होता है। फल हम खाते हैं, फूलों से मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ बनती हैं और इसी तरह हर चीज़ में कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने फ़ायदा रखा है। ठीक है।